अब आपके शहर दमोह में मध्य प्रदेश की उत्कृष्ट गेहूं का उच्चतम तकनीक विधि से निर्मित लाडली चक्की फ्रेश आटा सात्विक और शुद्धता से परिपूर्ण शकुंतला फ्लोर मिल औद्योगिक क्षेत्र मारुताल दमोह है। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। शव लेकर रने थाना क्षेत्र से हटा विधायक के बंगले तक भटकते रहे परिजन। रने थाना में पुलिस के द्वारा नहीं की गई कोई भी कार्रवाई। रने थाना क्षेत्र के इनाती गांव में एक युवक की मौत को लेकर परिजन व ग्रामीणों के बीच एक तरफ मातमी सन्नाटा पसरा रहा, वहीं दूसरी तरफ संबंधित लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश का माहौल था। युवक के मौत का कारण बने लोगों के खिलाफ समुचित कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने मृतक का शव लेकर हटा विधायक कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। इतना ही नहीं, परिजन मृतक का शव निजी वाहन से लेकर भाजपा विधायक कार्यालय के बाहर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाने लगे, लेकिन विधानसभा सत्र के चलते विधायक कार्यालय में नहीं मिले। वहीं मौके पर मौजूद मृतक की पत्नी सगुन राय ने कहा कि 20 फरवरी को मेरे पति भागीरथ राय को खेत में राजाराम लोधी और लालचंद्र लोधी बाइक पर बिठा कर ले गए थे। कुछ देर बाद मुझे जानकारी मिली कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर फौरन मैं रने अस्पताल पहुंची, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पूर्व ही मेरे पति को गंभीर हालत में जलपुर रेफर कर दिया। 8 दिन चले इलाज के दौरान मेरे पति की आज सुबह मौत हो गई। सुबह से शव अपने साथ लेकर परिजन मामला दर्ज कराने रने थाना के चक्कर काटते रहे, लेकिन परिजनों को मामले के प्रति पुलिस से समुचित कार्रवाई का भरोसा नहीं मिला। इससे परिजनों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया। नाराज परिजन विधायक कार्यालय पहुंचे और हंगामा करने लगे। वहीं विधायक कार्यालय परिसर में हंगामा होने की जानकारी लगते ही हटा पुलिस मौके पर पहुंची। परिजन मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। इस पर SDOP भावना दांगी ने आक्रोशित लोगों को मर्ग डायरी प्राप्त कर बयान दर्ज कर उसके उपरांत मामले में निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई का ठोस आश्वासन देकर तत्काल हंगामे को शांत करवाया। खेत के चारों पटा रही थी वही मोड़ी वहाँ पति तो जी आए दोनों रने से लल्लू मम्मा और रज्जू दोनों। तभी कह रहा है कि चाची हम लुबा जा रहे हैं। हमने कहा हाँ भाई के नहीं लुबा जाने होते। तभी कह रहा है कि हाँ हम लुबा जा रहे हैं। जी लुबा ले गए हाँ होते रने ये चले गए। हमें बोझ उठा था हम घर भाग गया। फिर जी थोड़ी देर में हम घर तक पहुँचे। जब तक हमने पकड़ियाँ चारों डर जी बाद में कह रहे हैं आए हमारे घर एक लड़का है लोधी को उनको नाम बीगन। तो वो कह रहा हो कि चाची चाचा गिर पा रही पीछे के पीछे गाड़ी से। तो हमने कही कैसे गिर पाए। हम ऐसे ही भागे आए जैसे को तैसे हम भागे आए। तो जी हम रने तक आए तो हमें जी रने में मिली नहीं हमें जी हटा में मिली हमें दमू में मिली। और दमू से रेफर होगा हम जबलपुर पहुँचे। और इनने हमें बताओ नहीं यहाँ कि कैसे गिरे कैसे नहीं गिरे। क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इनकी कार्रवाई करी जाए भाई हम सजा दी जाए इनकी। आज विधायक कार्यालय क्यों आई हैं आप? हमसे यही निवेदन है पुलिस के पास गई थी आप? हम पुलिस के पास गए थे 3 दिन हो गए कि कागज आ जान दो अस्पताल से कागज आ जान। तो उनने कागज नहीं दिया हुआ उनने रिपोर्ट लिख रहा है और आज भी गए थे हम नहीं माना नहीं हो रही हमारे आप क्या चाहती हैं? हम तो यही चाहते हैं कि आरोपी सजा दी जाए। हम रने गए थे अपनी गाड़ी लेकर वालों ने रिपोर्ट भी हम लोगों ने लिया। कम से कम 50 आदमी थे हम लोग। हम लोग की रिपोर्ट भी ली है इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अब हटा कार्यालय पहुँच जाए। विधायक जी के कार्यालय आए हैं सर तो आप ऐसे ये कई विनती कर रहे हैं कि जिन दोनों जने लुबान लाए हैं इन लोगों को हम तो जा ही सके तो या तो इनने मारपीट की या कुछ भी इनने किया हो घर वालों को किसी को इन लोगों ने फोन नहीं लगाया। सर श्रीमान जी हमारे निवेदन तो जो है कि इसका इंसाफ किया जाए इन लोगों पर सजा दी जाए। कौन कौन लोग हैं? राजा राम लोधी और डाल सिंह लोधी। डाल सिंह मामा का हाथ हनौती में रहते हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की आपकी? नहीं सर ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने जाए बोला कि नहीं आप घर ले जाइए और जिस दिन रिपोर्ट आ जाएगी मेरे पास में उसी दिन मैं आपको बुला लूँगा आपकी रिपोर्ट लिखूँगा। हुआ क्या है इनके साथ?
सर अब कोई नहीं बता सका, जिससे बता सका कि हमने क्या किया है इन दोनों जनों ने। ये दो चार दिन पहले एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें ये आहत को जबलपुर रेफर किया गया था जिसमें उसकी डेथ हो गई, तो आज ये बॉडी को लेकर यहाँ पे आ गए थे। परिवारजनों को समझाइश दे दी गई है, वो समझ रहे हैं। मैडम परिवारजनों का आरोप है कि रनीत थाना पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, 3 दिन से भटक रहे हैं वो। उसमें अब जो है डेड बॉडी हुई है तो PM रिपोर्ट आने के बाद ही उसमें फायरिंग हो पाएगी, इसलिए उसमें FIR अभी नहीं हुई। जैसे ही वो आएगी डायरी वहाँ से तो घटनाक्रम क्या है मैडम? एक्सीडेंट का बताया जा रहा है, बाकी जाँच कर। दो लोगों पर आरोप भी लगाया जा रहा है, अब वो तो जाँच कर पता चलेगा।